महोबा जिले में संसाधनों की कमी के बीच विभागीय कार्य करने के लिए मजबूर संविदा कर्मियों के दुर्घटना का शिकार होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर विद्युत पोल में चढ़कर विद्युत लाइन की मरम्मत कर रहा संविदा कर्मी विद्युत करंट की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। विद्युत विभाग में संविदा कर्मचारी लंबे समय से बिना सुरक्षा संसाधनों के बिजली मरम्मत का काम करने को मजबूर हो रहे हैं। कई बार घटनाओं के बाद भी कर्मचारियों को ठेकेदार के द्वारा सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। मजबूरी में कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं। ताजा मामला कुलपहाड़ कस्बे का है, जहां ग्राम मुढ़ारी निवासी 22 वर्षीय मुकेश 11,000 की विद्युत लाइन में काम कर रहा था, तभी अचानक संविदा कर्मी विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिसके चलते खंभे के नीचे गिरकर मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। मुकेश है जो संविदा कर्मी था कुलपहाड़ में, उसकी उम्र है 20 वर्ष, वो 11,000 की लाइन में काम कर रहा था, उसमें करंट आने के कारण उसको गिर पड़ा और उसकी काफी चोट आई है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक पेशेंट आया था हमारे पास जो CSC कुलपाल से रेफर किया गया था, जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ काम कर रहा था, इलेक्ट्रिक करंट लगने से वहाँ से पिलर से गिर गया था, तो वहाँ अभी हमने देखा है उसका प्राथमिक उपचार चालू है, स्थिति थोड़ी स्टेबल बनी हुई है और आगे इलाज के लिए हमने हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज यहाँ से रेफर किया है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।